नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स में ओजांग टाइम्स की सीरीज़ में हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर नज़र डालेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं तो इसमें फर्स्ट जो फ्रंट पेज पर है जिसमें आप देखेंगे द बिग ऑल इंडिया एग्ज़ाम लीक ये एक इन्वेस्टिगेशन पेपर छापा गया है जो कि एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन है यानी कि इंडियन एक्सप्रेस का एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें पिछले पाँच वर्षों में कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कराए गए और उसमें से कितने सारे एग्जाम्स जो है पेपर लीक हुए और इससे लगभग एक दशमलव चार करोड़ कैंडिडेट कैसे प्रभावित हुए उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इसमें दर्शाया गया है इसमें बताया गया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा लोकसभा में और अभी पार्लियामेंट में हम देखें तो इंतरिम बजट जो पेश किया गया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया गया उसके अतिरिक्त आप पेज नंबर आठ पर आ जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे धारावी को एक बार फिर से विकसित करने की बात हो रही है जो सिंधे गवर्नमेंट है धारावी हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे प्रमुख रूप से देखा गया या जाना गया सबसे महत्वपूर्ण या सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक, एक स्लम एरिया है भारत में और ये महाराष्ट्र में आ रहा है जो कि सिंधे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि दो एकड़ लैंड की डिमांड की है गवर्नमेंट से ताकि इसको डेवलप कर सके इसके अलावा पेज नंबर नाइन पर आप देखेंगे कि इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से हटाने के लिए जो डेडलाइन अभी वहाँ के प्रेसिडेंट मुइजू ने दी है वो दस मई तक दी है इसके अलावा आप एडिटोरियल पेज पर आ जाएंगे एडिटोरियल पेज पर पेमेंट ब्लॉक्ड की एक न्यूज है जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक पेमेंट बैंक काम करता है और वो पेमेंट बैंक को कैसे हम देखते हैं कि अभी आर ने उसके सारी सर्विसेज को ब्लॉक किया है पेमेंट बैंक क्या होता है उसके क्या मायने हैं कैसे एक आर का जो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसका सेक्शन 35 ए उसे रेगुलेट करता है तो कैसे आ, पेमेंट बैंक काम करता है इसको लेकर आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं एक कलेक्टिव लॉस को आप पढ़ सकते हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है इसके अलावा एडिटोरियल पर डेमोग्राफी एंड डेंसिटी एंड फेयर वे पीस को आप पढ़ना ना भूलें इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आते हैं पेज नंबर ट्वेल्व पर इसमें एक बिल की बात की गई है एक विधेयक की बात की गई है एक ऐसे विधेयक या बिल की बात की गई है जो कि चीटिंग को स्टॉप करने की बात करता है जॉब एग्जाम्स में जो कि काफी महत्वपूर्ण है इम्पॉर्टेंट है इसको आप पढ़िए कि अलग अलग जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जॉब रिलेटेड उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर हम बात करते हैं और इस बिल में आ, क्या बातें की गई हैं उसको आप पढ़िए कुछ समय पूर्व ही करंट अफेयर्स में मैंने स्नो लेपर्ड काउंट के बारे में भी बताया था और उसके बारे में भी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में आप इसे पढ़ सकते हैं इसके अलावा बिल्कुल साउथ में इस न्यूज के सबसे नीचे वाले पेज नीचे देखेंगे तो कॉन्ट्रोवर्सी ओवर टू इज ओल्ड असामिस ट्रेडिशन नाउ विद गुवाहाटी कोर्ट की बात की गई है यानी कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि गुवाहाटी में कोर्ट में एक केस आया है जो कि पेटा के द्वारा ये डाला गया है पेटा यानी कि एक ऐसी संस्था है जो कि जानवरों के नैतिकता के लिए या उनके अधिकारों के लिए लड़ती है कुछ समय पूर्व इसका एक मामला हमें जली कट्टू के मामले में भी देखने को मिला था अभी उसी तरीके का मामला जो है आसाम में भी देखने को मिल रहा है जिसमें माघ बिहू के दौरान एक ट्रेडिशनल गेम होता है जिसमें दो बफेलोज को एक दूसरे से लड़वाया जाता है तो ये एक गेम है उसको लेकर यहाँ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के पेज पर आते हैं तो इस ये काफी महत्वपूर्ण इस समय है क्योंकि मैन्युफेक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें बताया गया है कि अभी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है कोविड uh, पेंडेमिक के बाद तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बढ़ाने की बात हो रही है एमएसएमई पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जैसा बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात की गई यानी कि इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रोथ देने की बात की गई इसी तरह से रेड सी क्राइसिस इकोनॉमी पर आप देखेंगे इकोनॉमी पेज पर जिसमें इंडिया टर्न टू वेस्ट एशिया टू रिप्लेस क्रूड सप्लाई फ्रॉम द यूएस तो यहाँ इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जो रेड सी वाला क्षेत्र है वो काफ़ी इस समय सेंसिटिव बना हुआ है जहाँ से हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल सप्लाई जो इंडिया के लिए होता है वो रास्ता काफ़ी वो जो मार्ग है काफ़ी सेंसिटिव है संवेदनशील बना हुआ है तो उसको लेकर क्या अभी रिसेंटली न्यूज़ है उसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो कि हमेशा से मैं कहता भी रहता हूँ कि ये न्यूज़ में रहता है और आपके एग्जाम में भी आता है हमेशा से ही जैसे आर बी आई एम पी सी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की आप बात करेंगे पेज नंबर थर्टीन पर है तो इसको एक क्वेश्चन के साथ ड्रॉ किया गया है काफी अच्छा है सिक्स मेंबर आ, कमेटी है ये हम सभी लोग जानते हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हो तो होती है उसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं इनकी मीटिंग आज से आठ तारीख तक यानी कि सिक्स ऑफ फाइव से एट फाइव तक होने वाली है जिसमें एक क्वेश्चन को लेकर इस पर आज काफी अच्छा डाला हुआ है कि वाई रेट में रिमेन अनचेंज्ड की रेपोरेट जो है उसको अनचेंज क्यू नहीं किया जा रहा है तो इसको लेकर काफी अच्छा लॉजिक भी इसमें बताया गया समझाया भी गया ये कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेट जो कि हमारा फोर परसेंट हमने रखा हुआ है जिस जिसका रेंज भी मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि सिक्स टू से सिक्स परसेंट के बीच का जो एक टारगेटिंग होता है उस चीज को हमने आ, तो यहाँ पर आपको इस चीज को पढ़ना चाहिए काफी अच्छे क्वेश्चन फॉर्मेट में इस चीज को समझाया हुआ है इसके अलावा आगे के लिए कुछ नहीं है इस न्यूज़पेपर में लेकिन इकोनॉमी तक का जो पेज है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आशा करता हूँ कि आप उसे पढ़ेंगे और अच्छे नोट्स तैयार कर लेंगे बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लिए आप मेरे साथ फैब का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें और जो कि प्रिलिम्स ओरिएंटेड होते हैं और उसके साथ साथ मेन्स ओरिएंटेड होते हैं तो मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद